हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है। इसमें सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मिथाइल फेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, इनुरेसिस, ऑटिज्म। मिथाइल फेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, तो इनमें से किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथाइल फेनिडेट? तो मिथाइल फेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथाइल फेनिडेट एंड एम्फेटामाइन, ये दोनों होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन शेड्यूल W, शेड्यूल X, शेड्यूल R और शेड्यूल U। तो किसमें आते हैं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस? तो ये आते हैं शेड्यूल X में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल X होता है फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लिए। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ये NDPS एक्ट कब बना था? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट वॉज पास्ड इन, तो ये बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। NDPS एक्ट बना था 1985 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1993। ये शेड्यूल W होता है जेनरिक नेम्स के लिए। लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली के लिए होता है W। शेड्यूल R होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए एंड शेड्यूल U होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय लायोफिलाइजेशन, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, रोटरी ड्रायर। तो किससे ड्राई करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को? तो इनके लिए यूज करते हैं लायोफिलाइजेशन का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय लायोफिलाइजेशन एंड ये लायोफिलाइजेशन होता है फ्रीज ड्राइंग। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देन हीट सेंसिटिव ड्रग्स आर ड्राइड बाय यूजिंग लायोफिलाइजेशन। देन मिल्क प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय स्प्रे ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटासिड्स आर स्ट्रांग एसिड्स, स्ट्रांग बेस और वीक एसिड्स। तो क्या होते हैं एंटासिड्स? तो एंटासिड्स होते हैं वीक बेस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर, टीमोलॉल, बेटोक्सोलॉल, कार्टियोलॉल, लिवोविनोलॉल। तो इनमें से कौन सा है लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर? तो ये होता है लिवोब्यूनोलॉल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिवोब्यूनोलॉल होता है लॉन्गर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलामाइन इज बेसिक जिंक ऑक्साइड, बेसिक जिंक सल्फेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट और बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है कैलामाइन? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कैलामाइन होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ सुमेंडस इज टू बी टेकन, टू बी यूज्ड, टू बी सक्ड एज बिफोर। तो क्या होता है लैटिन टर्म सुमेंडस का मीनिंग? तो सुमेंडस होता है टू बी टेकन। ऑप्शन ए, सुमेंडस इज टू बी टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन और हॉट एयर ओवन। तो इनमें से कौन सा है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? तो रैपिड मेथड होता है रेडिएशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेडिएशन होता है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन और ये होता है बाय यूवी रेज से। इसमें यूज करते हैं यूवी रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड पोस्टिंग, कास्टिंग, जर्नलाइजिंग, टैलिंग। क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल? तो ये होता है जर्नलाइजिंग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जर्नलाइजिंग होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल एंड जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होता है लेजर एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल डेट वाइज। देन वॉट इज पोस्टिंग? ये पोस्टिंग क्या है? तो पोस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है।
पोस्टिंग होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज कैरामल, टाट्राजिन, एमरंथ, सनसेट येलो, तो इनमें से कौन सा है सर्टिफाइड रेड कलर, तो ये हो जाएगा एमरंथ, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, एमरंथ होता है सर्टिफाइड रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फर्म मेंटेन्स द कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, जनरल जर्नल, कैश अकाउंट इन द लेजर। व्हेन ए फर्म मेंटेन द कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैश अकाउंट इन द लेजर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, इट नीड नॉट मेंटेन कैश अकाउंट इन द लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द अर्लीएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सैलिसिलिज्म इज विजुअल डिस्टर्बेंस, एक्साइटमेंट, हाइपर वेंटिलेशन, टिनिटस, तो क्या होता है अर्लीएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सैलिसिलिज्म, तो ये होता है रिंगिंग इन द ईयर विच इज कॉल्ड टिनिटस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, टिनिटस होता है द अर्लीएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सैलिसिलिज्म एंड ए टिनिटस होता है रिंगिंग इन द ईयर। देन व्हाट इज सैलिसिलिज्म, तो सैलिसिलिज्म इज पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन पॉइजनिंग से होता है सैलिसिलिज्म, एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड लॉन्गर यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस टिनिटस विच इज रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लर्ड विजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, फेज 4 ट्रायल, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग, तो क्या बोलते हैं इसे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग को, तो ये होता है फेज 4 ट्रायल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, फेज 4 ट्रायल होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ इंडोल, क्विनोलॉन, एक्रिडिन, ज़ैंथिन, कैफीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, तो कैफीन होता है ज़ैंथिन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1,3,7 ट्राइमिथाइल ज़ैंथिन होता है कैफीन, और ये आता है प्यूरिन अल्कलॉइड्स में, इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरोक्साइड टेस्ट, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन ये सभी आते हैं प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए, इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरोक्साइड टेस्ट, ठीक है। इसमें 1,3,7 ट्राइमिथाइल ज़ैंथिन होता है कैफीन, देन 1,3 डाइमिथाइल ज़ैंथिन होता है थियोफाइलिन एंड 3,7 डाइमिथाइल ज़ैंथिन होता है थियोब्रोमिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमाइड आइटम कंटेनिंग एनेस्थेटिक इज हेलोथेन, डाईथाइल ईथर, केटामाइन, प्रोपोफॉल, तो इनमें से कौन से एनेस्थेटिक में प्रेजेंट होता है ब्रोमाइड आइटम, ब्रोमाइड आइटम कंटेनिंग एनेस्थेटिक, तो ये होता है हेलोथेन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, ब्रोमाइड आइटम कंटेनिंग एनेस्थेटिक होता है हेलोथेन, हेलोथेन आता है जनरल एनेस्थेटिक में, इसकी सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी होती है, इसका स्मूथ इंडक्शन होता है, इट हैज़ यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन ऑल्सो एंड इट इज़ यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। हेलोथेन के सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। देन ए केटामाइन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, ये हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। देन ये प्रोपोफॉल भी आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है, ये पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक होता है फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस एनास्थेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डायल्यूशन, स्टेबिलिटी मेंटेनिंग एंड टेस्ट मास्किंग इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं इसे, तो ये होता है एडिटिव, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, एडिटिव होता है ए नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डायल्यूशन, स्टेबिलिटी मेंटेनिंग एंड टेस्ट मास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथिलीन डायामाइन डेरिवेटिव एंटी हिस्टामाइन एजेंट, प्रोमिथाजिन, डायफिनहाइड्रामाइन, पायरिलामाइन, डॉक्सिलामाइन, तो इनमें से कौन सा है इथिलीन डायामाइन डेरिवेटिव एंटी हिस्टामाइन एजेंट, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था इथिलीन डायामाइन डेरिवेटिव्स होते हैं पायरिलामाइन, ट्राइपेलेनामाइन, सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इथिलीन डायामाइन डेरिवेटिव में आता है पायरिलामाइन। देन प्रोमिथाजिन होता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, डॉक्सिलामाइन होता है अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव, और ये डायफिनहाइड्रामाइन भी आता है अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में। एक बार हम एंटी हिस्टामिनिक्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में आते हैं,
डाइफिनहाइड्रामाइन, डॉक्सिलामाइन, डायमेनहाइड्रिनेट, क्लेमास्टिन, देन आता है इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव, इसमें आता है पायरिलामाइन, ट्राइपेलेनामाइन, देन आते हैं अल्किलामाइन डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं टिप्रोलिडिन, फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन, ब्रोमफिनिरामाइन, ये सभी होते हैं अल्किलामाइन डेरिवेटिव्स। देन आता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, इसमें आता है प्रोमिथाजिन। देन आएगा आपका पिपराजिन डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजिन, बुक्लिजिन, मिक्लिजिन, सिनराजिन। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक्स एजेंट पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन इज फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकियाट्रिक एबनॉर्मिलिटी। तो क्या होता है इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन, तो ये होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए एड्रिनर्जिक एजेंट, स्टेरॉयडल ड्रग, जनरल एनास्थेटिक और सोलवेंट। तो क्या होता है स्पाइरोनोलैक्टोन, तो ये होता है स्टेरॉयडल ड्रग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है स्टेरॉयडल डायूरेटिक, ये होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। देन स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ओपोसिट मीन्स वेन एवर नेसेसरी, थ्री टाइम्स डेली, अर्ली मॉर्निंग, सफिशियंट टू मेक। तो इनमें से क्या होता है लैटिन टर्म सी ओपोसिट का मीनिंग, तो सी ओपोसिट होता है SOS, इसका मीनिंग होता है वेन एवर नेसेसरी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्री टाइम्स डेली होता है टर इन डाई, TID होता है थ्री टाइम्स डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोसेज आर नोन एज थेरेप्यूटिक इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग एब्यूज, टॉक्सिक रिएक्शन। तो ये किसका डेफिनेशन है, नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोसेज, तो ये होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरिलिटी टेस्ट फॉर मोल्ड एंड ईस्ट शुड बी कंडक्टेड विथ हनी मीडियम, अगार, थायोग्लाइकोलिक मीडियम और ग्लूकोज। तो स्टरिलिटी टेस्ट फॉर मोल्ड एंड ईस्ट शुड बी कंडक्टेड विथ हनी मीडियम, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, हनी मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ वॉटर इन ऑयल इमल्शन इज कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, इमल्जीफाइंग ऑइंटमेंट और पेस्ट। तो इनमें से कौन सा है वॉटर इन ऑयल इमल्शन, तो वॉटर इन ऑयल इमल्शन होता है कोल्ड क्रीम, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कोल्ड क्रीम होता है वॉटर इन ऑयल इमल्शन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे वैनिशिंग क्रीम क्या होता है, तो वैनिशिंग क्रीम होता है ऑयल इन वॉटर टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विच इज कंबाइंड विद ए लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक, इपिनेफ्रिन, जाइलोमिथाजोलिन, आइसोप्रोटेरिनॉल, डोबुटामाइन। इंडिकेट द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विच इज कंबाइंड टू ए लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। तो ये होता है इपिनेफ्रिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इपिनेफ्रिन को कंबाइन किया जाता है विद ए लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। ठीक है, और ये इपिनेफ्रिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इपिनेफ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज ब्लड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मसल टिश्यू और लीवर। तो इनमें से कौन सा है प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, तो यह होता है लीवर, ऑप्शन डी, लीवर होता है प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रिनेलिन इन ए केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक इज इंट्राकार्डियक, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। तो इनमें से कौन सा है मोस्ट एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रिनेलिन इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली देते हैं एड्रिनेलिन को इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। इंट्रामस्कुलर विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, एड्रिनेलिन को देते हैं 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली।
इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। और एड्रिनालिन को पेरेंटली देते हैं 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन में, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ब्रोंकियल अस्थमा में एड्रिनालिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, तो ये सबक्यूटेनियसली देते हैं इन ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर, इज्जत नगर, लखनऊ, कैलकटा, तो कहाँ पे है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री, तो ये है गाजीपुर में, ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर। इज्जत नगर में है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड कैलकटा में क्या है, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकटा में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसकी लोकेशंस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विल कॉज एनेमिया, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस और बेरीबेरी, तो क्या कॉज कराती है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विल कॉज एनेमिया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, एनेमिया होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। देन ये रिकेट्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 इन चिल्ड्रन, एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ D3 इन एडल्ट्स होता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स, एंड एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया। देन नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एंड बेरीबेरी होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायामिन, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरीबेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, अर्जिनिन, फिनॉल, टायरोसिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो ये सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम टायरोसिन, ऑप्शन डी, टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, तो सुक्रोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, Phase 1, 2, 3 or 4, हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, तो इनमें से कौन से फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स के हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये करते हैं Phase 1 में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, Phase 1 ट्रायल्स रिक्वायर हेल्दी वॉलंटियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कॉज ब्रोंकोडायलेशन, माइट्रियसिस, ब्रैडीकार्डिया और कॉन्स्टिपेशन, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कॉज, तो इनमें से क्या कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, तो ये भी हमने देखा हुआ है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स मीन्स पैरासिम्पैथेटिक ड्रग कॉज कराते हैं ब्रैडीकार्डिया, देन मियोसिस, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ये सभी कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ब्रैडीकार्डिया, मायोसिस, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ये सभी कॉज कराते हैं पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, बाकी ये ब्रोंकोडायलेशन, माइट्रियसिस, कॉन्स्टिपेशन, देन टैकीकार्डिया, इन सभी को कॉज कराते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोफोनी इज ए इस्टर रेजिन, गम रेजिन, रेजिन अल्कोहल और रेजिन, तो क्या होता है कोलोफोनी, तो कोलोफोनी इज ए रेजिन, ऑप्शन डी, रेजिन होता है कोलोफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैनोलिन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्शंस, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स और कैप्सूल्स, तो किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं लैनोलिन का, तो लैनोलिन क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रस वूल फैट, ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लैनोलिन इज ए हाइड्रस वूल फैट और इसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में यूज करते हैं लैनोलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली, एस्पिरिन, मेफिनेमिक एसिड, नेप्रोक्सेन और डाइक्लोफेनेक, इनमें से कौन सा ड्रग इनहिबिट कराता है साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली, तो ये होता है एस्पिरिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एस्पिरिन इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ड्रग विच इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली, तो ये होता है एस्पिरिन, एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है,
स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है. देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन कॉजेस रिंगिंग इन द ईयर विच इज कॉल्ड टिनिटस एंड ब्लर्ड विजन. ठीक है. एंड पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म. बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए सभी क्वेश्चन है एस्पिरिन के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज केमोटैक्सिस? टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स, टैक्सोनॉमी ऑफ केमिकल्स, इनिबिशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन इन्फ्लेमेशन. तो क्या होता है केमोटैक्सिस? तो केमोटैक्सिस इज मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन इन्फ्लेमेशन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, करंटली द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा इज मायोटिक आई ड्रॉप्स, ऑक्युलर अल्फा टू एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स, ऑक्युलर बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑक्युलर बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स. करंटली द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा इज ऑक्युलर बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क शुगर इज ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज. तो मिल्क शुगर इज लैक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज. और लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, माल्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, देन सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. और अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड, इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है? तो इसका हो जाएगा फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज इज नॉट ए डाइसैकेराइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटाप्लाज्मा मीन्स ए कैचेट, ए पोल्टाइस, ए क्रीम और ए प्लास्टर. तो क्या होता है कैटाप्लाज्मा? तो कैटाप्लाज्मा होता है ए पोल्टाइस. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. देन क्रीम का लैटिन टर्म क्या होता है? तो क्रीमोर. क्रीम का लैटिन टर्म होता है क्रीमोर. स्प्रे का होता है नेबुला. ईयर ड्रॉप और इस्टिले. लिनिमेंट का लिनिमेंटम. देन ऑइंटमेंट का अंजेंटम. देन माउथ वॉश होता है कोलुटोरियम. पाउडर होता है पल्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द लॉन्गर एक्टिंग ऑक्युलर बीटा ब्लॉकर, टीमोलॉल, बेटोक्सोलॉल, कार्टियोलॉल, लिवोबिनोलॉल. तो इनमें से कौन सा है लॉन्गर एक्टिंग ऑक्युलर बीटा ब्लॉकर? तो ये हो जाएगा लिवोबिनोलॉल. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर इंडिकेटेड फॉर ए वराइटी ऑफ मैलिग्नेंसीज? इमेटिनिब, पैक्लिटैक्सल, इजेटिमाइब, माइटोमाइसिन. तो इनमें से कौन सा टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है जो वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंसी में यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा इमेटिनिब. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, इमेटिनिब. नेक्स्ट क्वेश्चन, होरास ओमनी मीन्स टू बी टेकन एट बेड टाइम एवरी आवर इफ नेसेसरी. तो क्या होता है होरास ओमनी का मीनिंग? तो ये होता है एट बेड टाइम, HS, एट बेड टाइम होरास ओमनी. देन टू बी टेकन होता है सुमेंडस. टू बी टेकन सुमेंडस. एवरी आर ओमनी होरा. ओमनी होरा इज एवरी आर. इफ नेसेसरी SOS, सी ओपोसिट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, ऑयल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, नन. तो इनमें से कौन सी है फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑयल प्लस वाटर इज फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी. फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी होती है इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी एंड लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म कोलुटोरियम, एन इमल्शन, ए ड्रॉट, ए पाउडर, ए माउथ वॉश. तो क्या होता है कोलुटोरियम? तो कोलुटोरियम होता है ए माउथ वॉश. ऑप्शन डी, ए माउथ वॉश होता है कोलुटोरियम. देन कोलिरियम होता है एन आई वॉश एंड कोलुनेरियम होता है नोज वॉश. ठीक है. इमल्शन होता है इमल्सियो, ड्रॉट होता है हॉस्टस एंड पाउडर पल्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स मिंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटीज सच एज ईयर्स, नोज एक्सेट्रा आर स्नफ्स, डेंटिफ्राइसेस, बल्क पाउडर्स, इनसफ्लेशंस. तो क्या होता है फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स मिंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटीज सच एज ईयर्स, नोज? तो ये होता है इनसफ्लेशंस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसाप्राइड इज इंडिकेटेड फॉर गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पासम, कार्सिनोइड सिंड्रोम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाइपरमोटिलिटी. तो किसके लिए यूज करते हैं सिसाप्राइड का? तो सिसाप्राइड इज इंडिकेटेड फॉर गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर.
गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन्स आर यूजफुल इन ऑइंटमेंट फॉर्मुलाज सिंस दे आर गुड प्रिजर्वेटिव्स, ह्यूमेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, वाटर रिपेलेंट्स. तो सिलिकॉन्स का ऑइंटमेंट में यूज करते हैं क्योंकि वो गुड सर्फेक्टेंट्स होते हैं. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सिलिकॉन्स आर गुड सर्फेक्टेंट्स, दैट्स वाई इट इज यूजफुल इन ऑइंटमेंट फॉर्मूलाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोटॉनिक सोल्यूशन हैज द सेम सॉल्ट कंटेंट ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड, फ्लूइड प्रेशर ऑफ ब्लड. तो एन आइसोटॉनिक सोल्यूशन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज नोन एज कशिंग्स डिसीज, फैब्रीज डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, क्वाशियोर्कर एंड मैरास्मस. तो इनमें से कौन सा होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज? तो ये होता है क्वाशियोर्कर एंड मैरास्मस. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन व्हाट इज कशिंग्स डिसीज? तो कशिंग्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स. एड्रिनल ग्लैंड्स के हाइपर सिक्रीशन से होता है कशिंग्स डिसीज, एंड एड्रिनल ग्लैंड्स के हाइपोसिक्रीशन से होता है एडिसन्स डिसीज. ठीक है. देन फैब्रीज डिसीज, तो अल्फा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है फैब्रीज डिसीज. एंड पार्किंसंस डिसीज इज ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट, माइकोनाजोल, निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन बी, ग्रीसियोफल्विन. तो इनमें से कौन सा आता है इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट में? तो एंटीफंगल एजेंट के इमिडाजोल क्लास में आते हैं माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, केटोकोनाजोल. ये सभी आते हैं इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट में. सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, माइकोनाजोल. ठीक है. देन ए निस्टैटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी, ये दोनों होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स. ये सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स होते हैं और ये एंटीफंगल ड्रग के पॉलिन एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं. एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन इनिबिशन. ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन को इनिबिट कराते हैं. एंड ग्रीसियोफोलिविन होता है माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर. ये भी अजोल क्लास में आता है एंटीफंगल ड्रग के. देन एक और क्लास होता है ट्रायाजोल. ट्रायाजोल में आते हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वेरिकोनाजोल. ठीक है. एंड अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमिंटिक इज मेबेंडाजोल, मेथिमाजोल, मेट्रोनिडाजोल, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन. तो इनमें से कौन सा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक? तो ये होता है मेबेंडाजोल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मेबेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक. एंड इसमें बेंजीमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है एंड मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज लोकेटेड इन दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता. तो ये है बैंगलोर में. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वसाका इज वैसिसिन, वैसिसिनॉन, वसाकिन, अधातोडिक एसिड. तो इनमें से कौन सा है चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वसाका? तो ये होता है वैसिसिन. ऑप्शन ए वैसिसिन. वसाका आता है क्यूनाजोलिन एल्केलॉइड में. इसकी फैमिली होती है अकंथेसी एंड इसका यूज होता है एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर. और ये सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वसाका के, लेकिन चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वैसिसिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज कैंडेसार्टन, कैप्टोप्रिल, क्लोनिडिन, कार्वेडिलॉल. तो इनमें से कौन सा है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? तो ये हो जाएगा कैंडेसार्टन. ऑप्शन ए कैंडेसार्टन, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन. ये सभी आते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में. एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं कैंडेसार्टन, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन. ठीक है. देन कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सभी होते हैं एसी इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेला इज ए लॉन्ग बोन, सिस्मोइड बोन, इरेगुलर बोन, शॉर्ट बोन. वॉट इज पटेला? तो पटेला होता है सिस्मोइड बोन. सिस्मोइड बोन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. पटेला होता है नी बोन और ये सिस्मोइड बोन होता है. ठीक. और ये जॉइंट के कौन से टाइप में आता है नी जॉइंट? तो नी जॉइंट होता है हिंज जॉइंट. नी एंड एल्बो जॉइंट होते हैं हिंज जॉइंट. रिस्ट जॉइंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट. देन हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देन सैडल जॉइंट होता है थंब जॉइंट. एंड ग्लाइडिंग जॉइंट में आते हैं कार्पल्स एंड टार्सल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन इज कैटेलाइज्ड बाय
रेनिन, टाइलिन, यूरोकाइनेज, प्लाज्मिन। तो ब्रेकडाउन ऑफ फाइब्रिन इज कैटेलाइज्ड बाय प्लाज्मिन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्युलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सेल्युलोज एसिटेट थैलेट, पोविडॉन। तो इंटेरिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं सेल्युलोज एसिटेट थैलेट का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग सेल्युलोज एसिटेट थैलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, ग्लास, ट्रांसपेरेंट पॉलिस्टरीन, पॉलीटेट्राक्लोरोइथिलीन। तो किससे बनी हुई होती है डिस्पोजेबल सिरिंजेस? तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट पॉलिस्टरीन, ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट पॉलिस्टरीन से बनी हुई होती है डिस्पोजेबल सिरिंजेस। एंड डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग गैसियस स्टरलाइजेशन, एंड गैसियस स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स फास्टेस्ट सिम्टम रिलीफ इज ऑब्टेंड विथ ओरानोफिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासैलाजिन, मेथोट्रेक्सेट। तो डीमार्ट्स में कौन से ड्रग का फास्टेस्ट सिम्टम रिलीफ एक्शन होता है? तो ये होता है मेथोट्रेक्सेट का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अमंग द डीमार्ट्स फास्टेस्ट सिम्टम रिलीफ इज ऑब्टेंड विथ मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट का ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है, इसलिए मेथोट्रेक्सेट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ इनिशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड डीमार्ट्स में आते हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में आते हैं मेथोट्रेक्सेट, अजाथियोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, देन डीपेनिसिलामाइन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लोनामाइड एंड सल्फासैलाजिन। ठीक है, देन एक और क्लास आता है एंटी रूमेटिक ड्रग का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, इसमें आते हैं टीएनएफ अल्फा इनिबिटर। टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स होते हैं अडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब एंड इटानरसेप्ट। एंड इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट होता है एनाकिंद्रा। ठीक है, एंटी रूमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।